प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह विभाग और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ में चर्चा की। उन्होंने राज्य में लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति की समीक्षा की और ऐसे विकट समय में मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री ने इस महामारी के दौरान रोगियों का उपचार कर रहे चिकित्सकों और स्क्रीनिंग कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, मुख्य महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह, महानिदेशक कानून व्यवस्था एम एल लाठर, एडीजी क्राइम बी एल सोनी, एडीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा और एडीजी एसओजी अनिल पालीवार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रदेश की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने प्रदेश के 34 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाने और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं देने के मामले में 50 से अधिक मुकदमों में 300 से अधिक लोगों पर कार्रवाई करने की भी जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने कोर ग्रुप और वॉर रूम के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आइसोलेशन, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, राशन व खाद्य सामग्री पहुंचाने, प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव सहित अन्य इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल कटाई और मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त प्रारंभ करने के बारे में भी चर्चा की।